हमारे पास क्वेश्चन की डिटेल्स हमारे पास यहाँ मौजूद हो गई। हमने अब जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो अननोन है, तो एनी प्रॉफिट, जब भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 100%, 100% कोई भी प्रॉफिट हो उसको 100% करना है और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब प्रॉफिट की अगर हम बैंक की बात, पहले इसके अंदर से मैनेजमेंट फी माइनस करेंगे तो बैंक की मैनेजमेंट फी है जीरो, इन्वेस्टर की जो मैनेजमेंट फी है सर म्यूट ही करवा दें तो बेहतर होगा। बैंक की मैनेजमेंट फी जीरो है, इन्वेस्टर की मैनेजमेंट फी हमारे पास 30% है, तो आफ्टर मैनेजमेंट फी जो प्रॉफिट बचता है वो 100 में से 30 को माइनस करें और 0 को माइनस करें तो 70% बचता है। अब हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन किस किस के लिए करनी है, एक तरफ हमारे पास बैंक है इसको पैसे देने हैं और दूसरी साइड पे हमारे पास पार्टनर या इन्वेस्टर यूज कर रहे हैं तो इन्वेस्टर है। इस 70% के अब हम लोगों ने दो हिस्से करने हैं, पहला हिस्सा हमारे पास बैंक के पास जाएगा और दूसरा हिस्सा इन्वेस्टर के पास जाएगा। एज पर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक का जो प्रोपोर्शन है वो 75% है और जो इन्वेस्टर का प्रोपोर्शन है दैट इज 25%। हमारे पास जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो 70 है, तो बैंक के पास कितने जाएंगे, हमारे पास 70 मल्टीप्लाई बाय 0.75 एज पर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज इक्वल टू 52.5%, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर की हमारे पास क्या बचता है, 70 मल्टीप्लाई बाय 25 एज पर रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट दिस बिकम्स 17.5। लेकिन इसके साथ साथ एक अदद मैनेजमेंट फी है जो कि इन्वेस्टर को मिली हुई है दैट इज 30%, वो 30% यहाँ आके एड अप हो जाएगा तो टोटल कितने मिले इसको, हमारे पास इन्वेस्टर को मिले 47.5, ठीक है। ये 47.5 हमारे पास इन्वेस्टर के पास चले गए और ये बैंक के पास। लेट्स सपोज, हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ हमारे पास 1000। अगर हमारे पास 1000 का प्रॉफिट होता है, अब मैंने परसेंटेज नहीं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, अगर 1000 का प्रॉफिट होता है तो मुझे इस कैलकुलेशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुझे दोबारा से रिकैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको परसेंटेज को 52.5 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 47.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर आंसर निकालूं तो 525 जो है इसका निकलता है आंसर, ठीक है, और 47.5 के हिसाब से 475 रुपीज इसका आंसर निकलता है, यानी मैंने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं इसकी दोबारा से परसेंटेजेस वगैरह कैलकुलेट करूं, कोई भी प्रॉफिट अब मुझे गिवन होगा तो ऑटोमेटिकली ये मैं परसेंटेजेस अप्लाई करूंगा और ये परसेंटेजेस बेसिकली ऑटोमेटिकली आपकी आफ्टर मैनेजमेंट फी सब चीजें कैलकुलेट करके दे देंगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट था 1 वीक का, जो रिटर्न है बैंक का 1 वीक का रिटर्न है जी 52.5, इन्वेस्टर का जो रिटर्न है 1 वीक का दैट इज 47.5। अगर मैंने चेक करना हो मंथली रिटर्न, तो मंथली रिटर्न कैसे होगा, मंथली रिटर्न बैंक का कितना बनेगा, अगर ये प्रोजेक्ट मुझे महीने में एक हफ्ते में मैं करता हूँ तो महीने में कितनी दफा करूंगा, महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो अगर एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं तो बैंक का जो मंथली रिटर्न बनेगा 52.5 मल्टीप्लाई बाय 4, सिमिलरली इन्वेस्टर का बनेगा हमारे पास 47.5 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर इसी मंथली को हम कन्वर्ट कर देते हैं ईयरली में, तो हम ईयरली में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ईयरली में हो जाएगा जी 52.5 हमारे पास 1 वीक का है, पहले आप इसको मंथ में कन्वर्ट करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ईयर से हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास पहला हुआ बैंक का और सिमिलरली दूसरा हुआ हमारे पास इन्वेस्टर का, 52.5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इट बिकम्स ईयरली प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारे पास ईयरली हो गया। यहाँ से अगर हम स्विच करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ तो देखें हमारे पास क्वेश्चन में प्रोजेक्ट की जो लेंथ है वो गिवन है,
ये 1 वीक प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब जो रिटर्न जनरेट होगा 1 वीक होगा, ये 1 वीक प्रोजेक्ट है, ये भी 1 वीक का रिटर्न जनरेट, ये 4 मंथ्स का है, 4 मंथ्स का मतलब है कि जो भी रिटर्न जनरेट होगा वो 4 महीने का होगा, 1 महीने का निकालने के लिए 1 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 मंथ का है तो इस 1 मंथ को 1 वीक पे कन्वर्ट करना हो तो उसे 4 पे डिवाइड करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईयरली निकल आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन आपने जो चीज का ख्याल करना है वो बेसिकली लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे भी मैंने आपको कहा, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका 1 वीक का था तो मैंने इसको 1 वीक के पॉइंट से सॉल्व किया, तो ये 1 वीक का रिटर्न है, इसको मैं जब मंथ में कन्वर्ट करता हूँ तो 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और जब मैं इसको ईयर में कन्वर्ट करता हूँ तो 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई रिटर्न जैसे थर्ड में है कि ये 4 मंथ का प्रोजेक्ट है, 4 मंथ का प्रोजेक्ट का मतलब है कि मेरे पास जो रिटर्न आएगा वो 4 मंथ्स का होगा, 4 मंथ से अगर मैंने इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो 4 मंथ का जो रिटर्न है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 4 पे तो 1 मंथ का आ जाएगा। इसी 4 मंथ को अगर मैंने ईयर में कन्वर्ट करना हो, ईयर में कन्वर्ट करना हो तो 4 महीने साल में 3 दफा आते हैं, तो ये 4 मंथ के रिटर्न को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से तो ईयरली आ जाएगा। इसी तरह आप इसको वीक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो भी उसकी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट गिवन है, जो भी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ गिवन है, हम उसके हिसाब से काम करेंगे।